सड़क दुर्घटना में 3 युवकों सहित ट्रक चालक की हुई मौत। मामला धमदा ओवरब्रिज का, जहां ट्रक बाइक सवार युवकों को अपनी चपेट में लेता हुआ ब्रिज की रेलिंग को तोड़कर नीचे जा गिरा। घटना इतनी दर्दनाक थी कि चारों की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्ग धमदा ओवर ब्रिज में गुरुवार की रात करीब 12:30 बजे हुई दर्दनाक घटना, जिसमें ड्राइवर सहित 3 युवकों की जान चली गई। दुर्ग के लुचकी पारा व तकिया पारा के 3 युवकों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, साथ ही ट्रक ड्राइवर की भी घटना स्थल पर दर्दनाक मौत हुई। बताया जा रहा है कि ट्रक धमदा की तरफ से आ रही थी और बाइक सवार दुर्ग की ओर जा रहे थे, जिसे तेज रफ्तार ट्रक ने अचानक अपनी चपेट में ले लिया और ब्रिज से नीचे गिर गए, जिससे घटना स्थल पर ही चारों की दर्दनाक मौत हो गई। इस मामले में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ट्रक क्रमांक CG15DM2989 चालक महेश सिकोसा बालोद निवासी बताया गया है। वहीं बाइक क्रमांक CGBH7540 है, जिसमें सवार तौसीफ खान साहिल खान निवासी तकिया पारा व मोहम्मद अमन लुचकी पारा निवासी बताया गया है। इन चारों की मौत मौके पर हुई है। इस घटना से लोगों में आक्रोश साफ नजर आया। आक्रोशित लोगों ने न्यूज टीम के समक्ष प्रतिक्रिया दी। लापरवाही तो विगत कई सालों से चली आ रही है और आज प्रशासन की अनदेखी की वजह से, प्रशासन की नाकामी की वजह से आज 3 मासूम बच्चों की जान चले गई। और लगातार धमदा नाका ओवर ब्रिज पर जो दुर्घटनाएं हो रही, उसके बाद भी प्रशासन जाग नहीं रही है। अंडर ब्रिज का काम चाटी की चाल की जैसे, कछुए की चाल की जैसे चले जा रहा है। यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग लगातार अब टीवी मीडिया के माध्यम से कहते हैं कि हम प्रेशर और दबाव बनाते हैं, मगर अधिकारियों के जू तक नहीं रेंगती और ना जाने इनके कब ये जू रेंगेगी और कब ये मासूमों का, लोगों की ये मरने के सिलसिला थमेगा। तो पूरी जनता में इसका रोष है। अगर प्रशासन इसमें जल्द निराकरण नहीं करेगी उस ब्रिज का, जो जर्रर हालत की स्थिति में पहुँच चुकी है, और FPI गोदाम को लेकर और माल धक्का को लेकर भी कई बार बोला जा चुका है कि पुरानी गाड़ियां उस रास्ते से आती है, रात दिन वहां जाम लगा रहता है। और हमें फिर यकीन है अगर प्रशासन आज भी नहीं जगेगी तो फिर किसी निर्दोष की वहां जान जाएगी। इससे पहले प्रशासन सजग हो गए, उसकी व्यवस्था करे, अंडर ब्रिज को सुचारू रूप से संचालित करे और ब्रिज का काम को पूर्ण करे। दुर्ग की जनता त्राही त्राही मची हुई है, जिधर देखो उधर दुर्घटनाएं लगातार हो रही है और जनता का ये आक्रोश का सामना किसी न किसी तरीके से सरकार को और उनके प्रतिनिधियों को झेलना पड़ेगा, प्रशासन को झेलना पड़ेगा। मैं खुली चेतावनी देता हूँ सरकार को कि उस पर ध्यान दे और उस कार्य को जल्द से जल्द पूर्ण करे। रात के 12:30 बजे की घटना है। इसमें 3 बच्चे जो थे, तीनों युवा 22 से 25 साल के, ये जा रहे थे ग्रीन चौक से धमदा ब्रिज से पार कर रहे थे और विपरीत दिशा से 16 चक्कर ट्रक जो कि अनियंत्रित होकर इनको लेते हुए, राम साइड से लेते हुए ब्रिज के नीचे गिर गए। इसमें 3 युवाओं के साथ में ड्राइवर की भी मौत हुई और जो तीनों बच्चे मरे हैं उनके परिवार उन पर आश्रित था और वो युवा थे। उनके परिवार में आज दुखों का पहाड़ टूट गया है और बहुत बड़े शोक में उन लोग। साथ ही ये जो घटना हुई, पहली घटना नहीं हुई इस ब्रिज पे, आए दिन उस ब्रिज पे ऐसे ही एक्सीडेंट होते और कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। मैं सब्जी मंडी का पूर्व अध्यक्ष हूँ नासिर ठोकर। हमारे मंडी के कई व्यापारी भी काल को प्राप्त हुए, काल को मतलब ये ख़त्म हुए वहाँ पर, और आने वाले समय में भी होते हैं। ये जो है जितना ट्रक ड्राइवर जिम्मेदार है उससे, उसके साथ साथ जो PWD और रेलवे जो अंडर ब्रिज बना रहा है, 3 साल से वो ब्रिज अपूर्ण है और मजबूरी होकर एक रिक्शा चालक, एक पैदल यात्री को भी ब्रिज के ऊपर से चढ़ना पड़ता है, कोई और साधन नहीं है और आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। ये लापरवाही इन्हीं की है कि जो इतने वर्ष होने के बाद भी अंडर ब्रिज तैयार नहीं हो पा और साथ ही ब्रिज की कोई मरम्मत, कोई देखरेख नहीं की जा रही। मैं हमारे जनप्रतिनिधि और सभी हमारे मुख्यमंत्री से भी निवेदन करूँगा कि जल्द से जल्द रेलवे अंडर ब्रिज को ये करें और लोगों को राहत दे ताकि उनकी जान बच सके। गौरतलब है कि लगातार ओवर ब्रिज में लापरवाही के चलते इस तरह की घटनाएं आम हो रही है। पिछले महीने ही इसी ब्रिज के पास ट्रक की चपेट में आने से एक महिला की मौत हुई थी, जिसके बाद शहर के लोगों द्वारा सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन भी किया गया था। बावजूद इसके शासन प्रशासन इस ओर कोई सुध ना लेकर लगातार अनदेखी कर रहा है और साथ ही दुर्घटनाओं को लगातार आमंत्रित कर रहा है। गुरुवार की रात भी लगभग 12 बजे के बीच धमदा ब्रिज पार कर रहे 3 युवकों को धमदा साइड से आने वाली ट्रक ने अपनी चपेट में लिया और सभी ब्रिज के नीचे गिर पड़े।
इसी के साथ ही पिछले दिनों जेल तिराहा चौक ठगड़ा बांध ओवर ब्रिज पर भी ऐसा ही हादसा हुआ था। इसी कड़ी में घटना की जानकारी लगते ही शहर विधायक अरुण वोरा दुर्ग मरचूरी पहुंचे और पीड़ित परिजनों से मुलाकात की और चार लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए शहर की यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने की बात कही। साथ ही शहर में लगातार हो रहे हादसे पर विधायक वोरा ने चिंता जताते हुए ट्रैफिक डीएसपी को व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। वोरा ने नाराजगी जताते हुए कहा कि बीते एक हफ्ते में 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जो चिंता का विषय बना हुआ है। यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने के इंतजाम तत्काल किए जाने की उन्होंने बातें कही और कहा कि पिछले 2 दशकों में शहर की आबादी बढ़ने के कारण ही वाहनों की संख्या भी बढ़ गई है। इस अनुपात में यातायात की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के इंतजाम पर व्यापक स्तर पर ध्यान देना होगा। घटना के बाद मौके पर जांच के लिए पहुंचे पीडब्ल्यूडी विभाग, आरटीओ, नगर निगम सहित पुलिस ट्रैफिक के अधिकारियों ने घटना की जांच की। इस संबंध में न्यूज टीम को मोहन नगर टीआई व पीडब्ल्यूडी अधिकारी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। लगभग कितने बजे? 12 बजे के आसपास। 12 बजे के बाद में एक दुर्घटना घटी है धमदा रोबी में, है ना, जिसमें रेलिंग को तोड़ते हुए जो गाड़ी है वो नीचे गिर गई है ना। तो चूँकि यहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा है और इसमें पूरे कर्वेशर में ब्रिज है ना, ज़्यादा स्पीड होने की वजह से ये ऐसा हादसा हुआ। तो इसमें स्पीड भी कंट्रोल होनी चाहिए गाड़ी की, और प्लस भविष्य में एक नए भी पुल बनाने की आवश्यकता पड़ेगी यहाँ पे ट्रैफिक को देखते हुए। रात को करीब 12 से 12:10 के बीच ट्रक जो धमदा की तरफ से आ रही और 3 बाइक सवार जो उनकी बाइक पर बैठे हुए उनको ठोकर मारा, जिसको ट्रक को अनियंत्रित होकर पुल के नीचे गिरी, पुल को तोड़ते हुए और इसमें स्पॉट पर भी 3 बाइक सवार और 10 ड्राइवर की डेथ हो गई और ट्रक पुल को तोड़ते हुए नीचे जा रही थी, जहाँ पे एक पिकअप खड़ा हुआ था। फिर मौके की सूचना मिलते हुए तत्काल वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे, जैसे कि एस पी सर की और उनके द्वारा फिर गैस कटर शहर में लगातार हो रही इस तरह की घटना को लेकर लोगों में चिंता का विषय बना हुआ है। साथ ही इसका जिम्मेदार शासन प्रशासन को माना जा रहा है। साथ ही इस घटना का मुख्य कारण अंडरब्रिज निर्माण में हो रही लेट लतीफी को माना जा रहा है। अब देखना होगा कि शहर के जनप्रतिनिधि व शासन प्रशासन द्वारा शहर के ओवर ब्रिजों पर किस तरह की व्यवस्था की जाती है, जिससे आगे किसी तरह की कोई अनहोनी घटना देखने व सुनने लोगों को ना मिले और इन घटनाओं पर विराम लगे, जिससे लोगों को राहत मिल सके। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।